हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयारी की है और संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने सरकार को चेताया है कि बार बार सरकार से वार्ता होने के बावजूद भी पीजी पॉलिसी के लिए कोई मसौदा तैयार नहीं किया गया है, जबकि 6 जनवरी को परीक्षा होना तय है। वर्मा ने पीजी पॉलिसी को बनाने की मांग करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर बैंक गारंटी को खत्म किया जाना चाहिए। प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि नियमित डीपीसी नहीं हो पा रही है, जिस कारण सालों से बीएमओ सीएमओ डिप्टी डायरेक्टर के पद नहीं भरे जा रहे हैं और बिना प्रमोशन के ही अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर पर हो रहे कठोराघात को दूर किया जाए और एक्सटेंशन प्रशासनिक पदों पर ना की जाए और नियमित डीपीसी को जल्द पदों को भरा जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ जो है वो इस समय काफी चिंतित है, क्योंकि जल्द ही पीजी की नई परीक्षा आ रही है और हमारी पिछले हफ्ते सरकार से वार्ता भी हुई थी के पीजी पॉलिसी को लेकर, लेकिन उस पर अभी तक कुछ काम हो नहीं रहा है और नया जो एग्जाम है वो जल्द 6 जनवरी को आ रहा है। उसकी वजह से जो हमारे प्रशिक्षु डॉक्टर हैं वो काफी जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, और हमारी सरकार से बात हुई थी और हमने कहा था कि हरियाणा और पंजाब के राज्यों की तर्ज पे पीजी पॉलिसी को बनाया जाए और सिर्फ बॉन्ड को रखा जाए, ना कि बैंक गारंटी को, क्योंकि हरियाणा और पंजाब राज्य अगर ये सब कर सकते हैं जहां के पर कैपिटा इनकम इतनी ऊंची है, अगर उन्होंने बैंक गारंटी नहीं रखी है तो हिमाचल जैसे छोटे राज्यों को ये करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारी यही मांग है कि जो बैंक गारंटी की जो शर्त रखी गई है, जिसकी वजह से प्रशिक्षु डॉक्टर जो हैं वो इतने तनावग्रस्त हैं, ये खत्म होनी चाहिए। और ये हमारी सरकार से पिछले हफ्ते वार्ता हुई थी, लेकिन एक तरफ तो हमारे से वार्ता की जा रही है, दूसरी तरफ सबको जो है वो लेटर लिख के जल्द से जल्द जो है वो बैंक गारंटी एफडी के रूप में देने को मजबूर किया जा रहा है, जिसका संघ जो है वो विरोध करता है। और दूसरी तरफ जो है हमने देखा पिछले दिनों में कि एक एड निकली थी कि चंबा मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट जो है प्रोफेसर भर्ती की जाएगी, जो भी हमारे इन सर्विस कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से ये मांग थी कि इस तरह की बॉन्डेड लेबर कराने से तो बेहतर है कि नियमित डीपीसी करी जाए और जो हमारे एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको नियमित प्रमोशन देके उनका एक पूल बनाया जाए और उनको रोटेशन के आधार पे ना केवल चंबा मेडिकल कॉलेज बल्कि बाकी मेडिकल कॉलेजों में भी उनको रोटेशन के आधार पे दो दो तीन तीन साल जो है वहां पे सेवा का मौका दिया जाए। इससे जो हमारी फैकल्टी होगी वो एलिजिबल फैकल्टी होगी और सबसे बड़ी बात वो हिमाचली फैकल्टी होगी, जिसके लिए हम इतने प्रयास करते हैं, और साथ में ही शिक्षा का जो स्तर है वो भी इससे काफी ऊंचा हो जाएगा। इसके अलावा वही कमोवेश वही हाल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में है, जिसमें वर्षों से जो है वो नियमित डीपीसी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बीएमओ सीएमओ के इतने एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। हमारी मांग है कि किसी भी तरह का सेवा विस्तार इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे ना दिया जाए, ये संघ की मांग है। और साथ में नियमित डीपीसी करके बीएमओ सीएमओ डिप्टी डायरेक्टर्स और ज्वाइंट डायरेक्टर्स के पदों को भरा जाए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ लंबे समय से पीजी पॉलिसी की मांग करता आया है और पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय में भी संघ ने मांग को पूरा करवाने के लिए हड़ताल का रास्ता तक अपनाया था और अब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर पीजी पॉलिसी के लिए मिले आश्वासन के बावजूद भी पॉलिसी नहीं बनाए जाने पर संघ ने कड़ा रोष प्रकट किया है।